गुड मॉर्निंग, आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू बेसिक मैथ बीके सर डे 11। तो बेसिक मैथ का मतलब थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की मैथ, जिसमें हमने इन तीनों क्लास के कॉमन टॉपिक्स को लिया है और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर्स। और हमारा पेज नंबर 12 है। हमारी बुक्स कौन सी है? फिफ्थ वाली टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अब आप टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 1 पे आइए, प्रश्नावली 1, और उसमें पेज नंबर 12 पे देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है। और वो क्या कह रहा है आपसे? मार्क द राइट सिंबल, सही निशान का यूज कीजिए, बिगर स्मॉलर और इक्वल बिटवीन द गिवन नंबर्स, इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में इन सिंबल्स का, इन चिन्हों का आपको यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले संख्या को रीड कीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 2979, 2000, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 2900, ये 32 है, ये 79 है। तो बिगर कौन सा है? ये वाला, जिधर बिगर होता है उसकी तरफ ये मुंह खुलता है, ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ ये मुंह ओपन रहता है, और जो छोटी संख्या होती है उसकी तरफ क्लोज रहता है। तो बड़ी संख्या ये 2979, क्योंकि ये 79 है और ये 32 है, तो बड़ी संख्या ये है, इसकी तरफ मुंह खुलेगा। आप देखिए दूसरा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 5423, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 5423, दोनों संख्या इक्वल है ना? बिल्कुल इक्वल है ना? इक्वल के निशान क्या लगाएंगे? ये वाला। आप देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 8952, ओके। तो दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल 8952, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल का निशान लगा देंगे। फिर देखिए आप, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 6852, तो 52, ये 52 है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, 6850 और 6852, तो 52 ये बड़ा है, तो बड़े की तरह मुंह खोलिए, ऐसे। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 6850, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 6852, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये बड़ा है, ये बिगर है। अच्छा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 3675, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 3675, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल का निशान लगेगा। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 9799, तो 9821 ये बिगर है, तो इसकी तरह मुंह को ओपन कर रखेंगे अपन, ऐसे 9821 ये बिगर है, बिगर की तरफ ओपन कर दिया, स्मॉल तरफ क्लोज रहता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको करना है। आप ध्यान रखिएगा, कल है हमारा सैटरडे। क्या है कल? सैटरडे। तो आपको पहले एक फर्स्ट एक्सरसाइज अपन पूरी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगी तब अपन आपको अगली बार हम उसका वीकली टेस्ट में देंगे, या फिर कल है अपन का सैटरडे, तो ऐसा करते हैं सैटरडे को वीकली टेस्ट ले लेते हैं अपन, तो सैटरडे का वीकली टेस्ट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कल अपन आपको वीकली टेस्ट दे ही देते हैं, जो अब तक पढ़ाया है उसमें से आपको वीकली टेस्ट हम दे ही देते हैं। तो कल आपको हम वीकली टेस्ट का देंगे, जिसको आपको करना है। और उस वीकली टेस्ट में क्या करना है आपको? एक नोटबुक बनाएंगे आप 4 पेजेस की, अपनी नोटबुक से निकाल के स्टेपलर करेंगे और उन वीकली टेस्ट को कंप्लीट करेंगे आप, और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद आपको स्कूल में डिपॉजिट कराना है। फिर हम आपको फ़ोन पे आपको उसके मार्किंग बता देंगे, यहाँ पे स्कूल में आकर के उसको आपको डिपॉजिट कराना है, अपने मम्मी पापा के साथ किसी के साथ आ जाएंगे आप, आकर के जमा करा के चले जाएंगे आप।
ओके गाइस, तो सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ध्यान रखिए कल सैटरडे है, कल क्या है सैटरडे, और सैटरडे को वीकली टेस्ट होगा। तो मैं आपको वीकली टेस्ट के मैं यहाँ पे राइट करा दूंगा, लिखा दूंगा, और आपके ऐप पे भी मैं डाल दूंगा एग्जाम में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।